Students, welcome to getlectures.com. This is the second lecture on basic concept of thermodynamics. In this lecture, we will see the properties of system, the definition of properties of system, the concept of pressure, and then the type of properties of system like intensive property and extensive properties. And one more topic, we will see the important points with respect to properties. Okay, let's start this lecture. First of all, the definition of properties of system. What is properties of system? System ki property kya hoti hai? Any characteristics of the system by which its physical condition may be described is called the properties of the system. These all are macroscopic in nature. आगे देखेंगे हम लोग कि microscopic और macroscopic views क्या होते हैं. Classical thermodynamics और rarefied theories वगैरह के बारे में देखेंगे सारी चीजें. तो वहाँ पे हम microscopic और macroscopic के बारे में deep study करेंगे. यहाँ पर बस इतना हम समझ लेते हैं कि microscopic क्या होती है, एक individual molecules की study करना, और macroscopic approach में हम क्या करते हैं, group of molecules, bundles of molecules के ऊपर हम study करते हैं. मतलब कि अगर हम किसी भी system पे analysis कर रहे हैं, हमारा कोई भी system है, मतलब कि वो system क्या होगा, system है mass and area, कुछ भी उसका शेप होगा, साइज होगा, बड़ा होगा देखने में, मतलब कि नंबर बंडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर आप किसी भी सिस्टम के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना चाहते हो, इट मींस स्टेट ऑफ द सिस्टम. अगर मैं बोलूं दिस इज द फिजिकल कंडीशन मे बी डिस्क्राइब्ड, अगर एक वर्ड आती है जो कि आगे हम लोग देखेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम. स्टेट ऑफ सिस्टम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो प्रॉपर्टीज से ही डिफाइन कर पाएंगे. कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि वो किस पोजीशन पे, अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है. ओके, तो वो सारी चीजें वहां पर देखेंगे. यहां पर केवल हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है. एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम बाई विच इट्स फिजिकल कंडीशन मे बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. दीज ऑल आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. एंड सेकेंड कंसेप्ट इज प्रेशर. प्रेशर जनरली होता क्या है, अगर प्रेशर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें तो प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स क्या होता है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. तो अगर आप देखो तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंपल, वो रैंडम मोशन में होते हैं, और रैंडम मोशन में होने के कारण क्या होते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, और ड्यूरिंग मूवमेंट क्या होती है, कोलिजन होता है, आपस में कोलाइड करेंगे या वॉल से कोलाइड करेंगे, कोई भी चीज अगर उनके बीच रास्ते में आएगी तो उससे कोलाइड करेंगे. कोलिजन होने के कारण उनका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा. द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस. और जो मोमेंटम चेंज होगी तो वहां पर आपका फोर्स एग्जिस्ट करेगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और वो जो फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ओके, तो ये टोटल चीजें देखते हैं डेफिनेशन में. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन, एंड ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड टू वॉट एवर कम्स इन देयर वे. ड्यू टू दिस कोलिजन विद एनी सर्फेस द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंजेस, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन मोमेंटम a force is exerted on the surface with which they collide. The average normal force per unit area is termed as pressure. This is very important. Hence, in gases, pressure depends on the number of molecules colliding and the velocity of the molecules. Okay, this is the basic definition of basic concept of pressure for gases. Agar aap liquid ki baat karte hain, प्रेशर लिक्विड में किस कारण से होता है, तो इट इज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट वन अगर आप आते हैं तो प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सिस्टम की प्रॉपर्टी को अगर हमें देखना है तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज इंटेंसिव
इंटेंसिव और इंट्रिंसिक, प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अब बात आती है कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्ट को देखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेसिक डेफिनेशन के थ्रू अगर जाते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, मतलब कि द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। सिंपल सी बात है, मास ऑफ द सिस्टम, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। अब बात आती है कि इसको कैसे एनालाइज करें। कुछ चीजें होती हैं, जस्ट लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी, डेंसिटी की अगर मैं बात करूं मास डेंसिटी की, तो मास डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? तो जनरली जो मिलता है एम अपन वी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ द सिस्टम द वॉल्यूम, इफ वी कीप द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट एंड इंक्रीज द मास ऑफ द सिस्टम द डेंसिटी विल इंक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द मास ऑफ द सिस्टम देन डेंसिटी विल डिक्रीज। बट दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि ये कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे होती है। तो सबसे बेसिक चीज, कैसे हमें देखना है सिस्टम में कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है। मतलब कि सिंपल सी बात है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप सपोज करो कोई भी सिस्टम है, एक सिस्टम लेते हैं, सिस्टम लिया, दिस इज अ सिस्टम, सिस्टम का मास क्या है एम एंड वॉल्यूम इज वी, दिस इज मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ओके, मास और वॉल्यूम है कोई भी सिस्टम हमने लिया है। अगर आप सपोज करो ये सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मान लेते हैं, टेम्परेचर क्या है, दिस इज टी, टी टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर। अब एक बात हम देखते हैं, अगर इस पूरे मास का, इस पूरे मास की एनालिसिस, पूरे मास का टेम्परेचर क्या है, टी है, तो अगर मैं एक स्मॉल सा पोर्शन कट करूं इसमें से, सिंपल एक अगर मैं स्मॉल सा मास कट कर लिया, दिस इज डीएम मास, तो डीएम मास जो मैं इधर लेके आ रहा हूं, दिस इज डीएम जो एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर अगर टी है तो क्या ये डीएम मास का टेम्परेचर क्या होगा, इसका भी टी होगा, बिकॉज कि पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर टी है, तो उसका एक अगर स्मॉल मास, अगर एलिमेंटल मास आप कट करते हो तो उसका भी टेम्परेचर टी होगा। अगर पूरे सिस्टम का प्रेशर पी है, पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या है, पी है, तो इसका भी प्रेशर क्या होगा, पी होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप देखो तो प्रेशर भी पी होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज वी, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज वी। बट अगर आप स्मॉल मास कट करके आ रहे हो, स्मॉल मास कट करके ले जा रहे हो, तो इसकी एनालिसिस जो कर रहे हो, क्या ये वी के इक्वल है, नो, वी इज नॉट इक्वल टू डीवी, दिस इज डीवी वॉल्यूम। मतलब कि यहां पर सिंपल है कि पूरे सिस्टम का मास हमने एम माना, तो पूरे सिस्टम का मास एम है, तो अगर आप उसमें से एक स्मॉल मास कट कर रहे हो तो उसका भी टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, प्रेशर भी क्या है, अगर पूरे सिस्टम का प्रेशर पी है तो उस स्मॉल मास का भी प्रेशर क्या है, पी है। तो यहां पर अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स कैटेगराइज करूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और इधर एक्सटेंसिव
प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अगर एग्जांपल्स में जाया जाए, सिंपल सी बात है, अभी बेसिक से लिया है, दिस टेम्परेचर इज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, प्रेशर इज इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपका क्या मिला, वॉल्यूम, ठीक है। अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डेंसिटी की। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो समझने का प्रयास करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ मास डेंसिटी क्या होता है। अगर ये अपना सिस्टम है, सिस्टम की डेंसिटी क्या है, रो, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी पूरा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। अगर सिस्टम की प्रॉपर्टी डेंसिटी प्रॉपर्टी है तो वो यूनिफॉर्मली होगी, हर एक पॉइंट पर डेंसिटी बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप यहां पर यूनिट वॉल्यूम में देखो तो मास का एक्युमुलेशन क्या होगा, उतना ही होगा जितना यहां पर भी देखो यूनिट वॉल्यूम में। कहीं पर भी अगर आप यूनिट वॉल्यूम देखते जाओगे, दिस आर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप मान के चलो दिस इज यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है। तो पूरे सिस्टम की डेंसिटी अगर रो है तो हर एक पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट द एक्युमुलेशन ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज यूनिफॉर्म। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहां से सिस्टम से अगर एक स्मॉल मास m कट करता हूं, अगर स्मॉल मास m कट किया तो इसमें भी जो यूनिट वॉल्यूम होगी उस यूनिट वॉल्यूम में मास का एक्युमुलेशन क्या होगा, सेम होगा एज द सिस्टम, सेम एज द सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज द सिस्टम। सिस्टम में जो पर यूनिट वॉल्यूम में मास का एक्युमुलेशन है वही इस स्मॉल एलिमेंटल मास में भी पर यूनिट वॉल्यूम मास का एक्युमुलेशन होगा। दैट्स व्हाई डेंसिटी इज आवर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज आवर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर आते हैं हम, सिंपल सी बात है, कुछ और बातें करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv². सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, that's why this property is depend upon the mass. If we increase the mass, the value of kinetic energy is increased. If we decrease the value of mass, the value of kinetic energy will decrease. To agar system mein, system ki kinetic energy, agar system ka mass m hai, velocity kya hai, v hai, to iski kinetic energy kitni hogi, 1/2 mv². agar small mass isi mein se cut kar liya और उसको भी v वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी सेम है, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिपेंड अपॉन द मास, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज आवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल, अब जो बात आती है, एक बात और कर लेते हैं सिंपल सी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप लोगों ने फ्लूड मैकेनिक्स में देखा होगा, विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूड की प्रॉपर्टी है। तो पूरे फ्लूड की विस्कोसिटी जितनी होगी एलिमेंटल मास की भी तो उतनी ही विस्कोसिटी होगी। तो विस्कोसिटी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव, इंटेंसिव। काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो गई, एक्सटेंसिव। तो सिंपल सी बात है, द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड अपॉन द मास इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखें तो इसको थोड़ा सा कैटेगराइज मैनर में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव और इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। डेफिनेशन इज व्हाट, द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर independent of mass of the system is called intensive properties। अब बात आती है कि वॉल्यूम आपका क्या है, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट ए स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर
इंटेंसिव, बिकॉज इंटेंसिव स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर यूनिट मास, ठीक है। तो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन सा, सबसे पहले हमने क्या देखा था, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, सॉरी स्पेसिफिक एंट्रोपी की जगह पे कर लेते हैं इस कंसेप्ट को, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, देन आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ही हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक्सेट्रा आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दिस आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को समझना, क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम से कैसे हम एनालाइज करेंगे कि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, बाय नॉट यूजिंग फॉर्मूला। ओके, आप लोगों ने डेंसिटी में देखा मैंने फॉर्मूले का यूज नहीं किया, कंसेप्ट का यूज किया। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज डेफिनेशन इज द प्रॉपर्टीज which are depends on the mass of the system is called extensive properties. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल में देखते हैं, सिंपल, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, वॉल्यूम, आप लोगों ने देखा वॉल्यूम, देन इंटरनल एनर्जी, आगे जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे वहां पर इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट की एनालिसिस करेंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, देन आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटाइजेशन, एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है, इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि सिस्टम और सिस्टम का मास और एलिमेंटल मास या कोई सा भी आप स्मॉल मास अगर सिस्टम से कट करते हो तो क्या प्रॉपर्टी दोनों की सिमिलर होंगी। तो इस एनालिसिस के बेस्ड ऑन आप कह सकते हो कि विच प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव एंड विच प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके,
Next topic is important point with respect to important point with respect to properties. कुछ important points हैं और ये points जो हैं आगे पूरी thermodynamics में आपके लिए useful होंगी. यूजफुल होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिकॉज कि आगे जितनी थर्मोडायनेमिक में हम लोग एनालिसिस करेंगे इस पॉइंट के बेस्ड ऑन करेंगे और ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी साइक्लिक डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो 1 से 2 गए, 2 से 3 आए, दिस इज 1, दिस इज 2. ये साइकिल अगर आप देख रहे हो कोई सा भी, तो 1 ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है. आप क्यों ना किसी भी पाथ को फॉलो करो, 1 से 2 जाने के लिए कोई सा भी पाथ फॉलो करो, प्रॉपर्टी की वैल्यू, द चेंज इन प्रॉपर्टीज विल बी सेम. ठीक है, तो वो रिवर्सिबल पाथ भी हो सकता है, वो इरिवर्सिबल पाथ भी हो सकता है, जो चीजें हम लोग आगे देखेंगे. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन. सेकंड पॉइंट इज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री. दीज आर नॉट डिपेंड अपॉन द पास्ट हिस्ट्री, मतलब कि किस पाथ को फॉलो किया किस पाथ को नहीं. तो दीज आर द पास्ट हिस्ट्रीज फॉर प्रॉपर्टीज, 1 से 2 तक जाने में किस पाथ को फॉलो किया इट डजंट मैटर. ओके, द चेंज इन प्रॉपर्टी आर इवेल्युएट फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट. एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स. एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब व्हाट? एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में आप कह सकते हो दिस इज डी एक्स 1 to 2, दिस मीन्स व्हाट? एक्स 2 माइनस एक्स 1, सिंपल सी बात है. लेकिन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट, लेकिन प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बिकॉज प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन. जब हम देखेंगे एनर्जी एंड हीट के बारे में, वर्क एंड हीट के बारे में देखेंगे, एनर्जी जो देखेंगे थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस एनर्जी की एनालिसिस हम करेंगे वो एनर्जी जो होंगी हीट हो गई या वर्क हो गई, तो वो जो एनर्जी है आपकी पॉइंट फंक्शन नहीं होगी, वो पाथ फंक्शन होंगे. और पाथ फंक्शन जो भी होगा वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं होगा. और दूसरी चीज, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कभी नहीं होंगे. जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखते हो डेल एम ओवर डेल वाई, आपने ये इक्वेशन कभी देखा होगा, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स. अगर ये इक्वल होते हैं तब क्या होता है? प्रॉपर्टी आर एग्जैक्ट, मतलब कि कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, कुछ इस तरह से होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस. दिस इज द टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके, तो इसका यूज, इस पॉइंट का यूज हम लोग करेंगे रिलेशंस में, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में, जो मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह जहां पर हम ड्राइव करते हैं वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, इस पॉइंट का. और ये पॉइंट आप थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स, एंटायर थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, बिकॉज की एंटायर थर्मोडायनेमिक्स में शुरू से एंड तक ये चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे, बिकॉज की प्रॉपर्टी को डिफाइन ही करेंगे पॉइंट फंक्शन के फॉर्म में. ओके, थैंक्स.